दोस्तों बहुत कम एक्टर होते हैं जो बिना कुछ बोले ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। उनमें से एक एक्टर तुषार कपूर भी है, जिनका गोलमाल सीरीज का कैरेक्टर काफी फेमस है। बेशक तुषार अब हमें फिल्मों में कम ही दिखते हो, लेकिन जितने भी फिल्मों में इन्होंने काम किया है उतने में ही इन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। लेकिन क्या आप इनके रियल लाइफ से वाकिफ है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में तुषार कपूर के लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको तुषार कपूर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुषार का रियल नेम तुषार रवि कपूर है और निक नेम तुष्की है। तुषार प्रोफेशन से एक एक्टर और प्रोड्यूसर है। तुषार का जन्म 20 नवंबर 1976 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और 2022 के हिसाब से तुषार कपूर 46 ईयर्स के हैं। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि तुषार कपूर बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र के बेटे हैं। दोस्तों तुषार ने स्कूलिंग बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की, जहां पर बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन उनके क्लासमेट थे। और तुषार स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एडमिशन लिया और फिर BBA की डिग्री हासिल की स्टेफन एम रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस से। अब बात करते हैं तुषार कपूर के करियर के बारे में। तुषार कपूर ने अपने करियर की शुरुआत डायरेक्टर डेविड धवन के साथ असिस्टेंट के तौर पर की और फिर इन्होंने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और एक्टिंग क्लासेस की, जिसके बाद तुषार ने फिल्म डेब्यू किया 2001 में फिल्म मुझे कुछ कहना है से, जिसमें इनके अपोजिट करीना कपूर थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और इस फिल्म के लिए तुषार को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। और फिर 2002 में तुषार ने ईशा देओल के साथ फिल्म क्या दिल ने कहा में काम किया और इसी साल फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए आई, जो तेलुगु की रिमेक थी। और फिर 2003 में तुषार ने फिल्म ये दिल में काम किया, लेकिन ये फिल्म पिट गई और फ्लॉप हो गई। और फिर 2004 में तुषार ने फिल्म गायब और खाकी में काम किया और खाकी सुपर हिट हुई, जिसके बाद तुषार को कई फिल्म मिली और लगातार फिल्म में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं क्या कूले हैं हम, गोलमाल, शूट आउट एट लोखंडवाला, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, द डर्टी पिक्चर, क्या सुपर कूल हैं हम, शूट आउट एट वडाला, क्या कूल हैं हम 3, मस्ती ज्यादे और गोलमाल अगेन। दोस्तों तुषार फिल्म गोलमाल सीरीज की वजह से ऑडियंस के बीच काफी फेमस है। दोस्तों लास्ट टाइम एज अ एक्टर तुषार कपूर अल्ट बालाजी की हॉरर वेब सीरीज बू सबकी फटेगी में दिखे थे। और मैं आपको बता दूं, तुषार एक प्रोड्यूसर भी है, तो इन्होंने प्रोडक्शन हाउस तुषार एंटरटेनमेंट ओपन किया था, जिसमें इन्होंने 2020 में फिल्म लक्ष्मी को प्रोड्यूस किया। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना तुषार कपूर की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। चलिए मिलवाते हैं आपको तुषार कपूर की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है जितेंद्र, जो कि एक मशहूर एक्टर हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। और इनकी माँ का नाम है शोभा कपूर, जो कि एक प्रोड्यूसर है। और इनकी एक बहन है जिनका नाम है एकता कपूर, और ये भी एक प्रोड्यूसर है, जैसा कि आप इनको भी जानते होंगे। दोस्तों वैसे तो तुषार कपूर ने शादी नहीं की, लेकिन इनका एक बेटा है लक्ष्य कपूर, जो कि सूर्यवंशी के द्वारा हुए हैं। अब बात करते हैं तुषार कपूर के हाउस के बारे में। तो दोस्तों तुषार जुहू मुंबई के एक सुंदर से बंगलों में रहते हैं, जो दिखने में काफी लग्जरी और खूबसूरत है। और तुषार यहां पर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। और इसके अलावा तुषार का मुंबई में कई प्रॉपर्टी भी है। वहीं बात करें तुषार कपूर के कार एंड बाइक कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में पहली कार है टोयोटा इनोवा, जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए। और दूसरी कार इनके पास है ऑडी Q7, जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। और तीसरी कार इनके पास है रेंज रोवर वॉक, जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। और दोस्तों तुषार कपूर के पास बाइक है सुजुकी हायाबुसा GSX R1300, जिसकी कीमत है लगभग 15 लाख रुपए। वहीं बात करें तुषार कपूर के इनकम के बारे में, तो दोस्तों तुषार कपूर एक फिल्म में काम करने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं तुषार कपूर के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है 80 करोड़ रुपए। तो ये थी तुषार कपूर की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।